हम सभी लोगों से अपील करते हैं कि देखिए, पिछले वर्षों की तुलना में वहाँ पर यात्री अत्यधिक संख्या में दुगने यात्री वहाँ पहुँच गए हैं। धीरे धीरे यात्रा सामान्य हो रही है और सारे इंतजाम पहले से किए गए थे, लेकिन अत्यधिक संख्या हो जाने के कारण से कुछ परेशानियाँ हुई हैं। लेकिन हमारा प्रयास है जल्दी से जल्दी करें, और मैं आप सबके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूँ कि बिना रजिस्ट्रेशन के यात्रा को प्रारंभ न करें। मेरा अपील है सभी से, देशवासियों से, यात्रा में आने वाले श्रद्धालु, हमारे तीर्थयात्री, धर्म लोग, धार्मिक लोग, वो सभी के सब यात्रा अपनी तभी प्रारंभ करें जब उनका रजिस्ट्रेशन हो जाए, उनकी बुकिंग हो जाए और मौसम की भी जानकारी ले लें, क्योंकि हम चाहते हैं कि वहाँ पर आने वाले किसी भी एक भी यात्री को कोई परेशानी न हो। हम सब उनका आतिथ्य करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके नियमों का पालन जरूर करें। हम सभी लोगों से अपील करते हैं कि देखिए, पिछले वर्षों की तुलना में वहाँ पर यात्री अत्यधिक संख्या में दुगने यात्री वहाँ पहुँच गए हैं। धीरे धीरे यात्रा सामान्य हो रही है और सारे इंतजाम पहले से किए गए थे, लेकिन अत्यधिक संख्या हो जाने के कारण से कुछ परेशानियाँ हुई हैं। लेकिन हमारा प्रयास है जल्दी से जल्दी करें, और मैं आप सबके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूँ कि बिना रजिस्ट्रेशन के यात्रा को प्रारंभ न करें। मेरा अपील है सभी से, देशवासियों से, यात्रा में आने वाले श्रद्धालु, हमारे तीर्थयात्री, धर्म लोग, धार्मिक लोग, वो सभी के सब यात्रा अपनी तभी प्रारंभ करें जब उनका रजिस्ट्रेशन हो जाए, उनकी बुकिंग हो जाए और मौसम की भी जानकारी ले लें, क्योंकि हम चाहते हैं कि वहाँ पर आने वाले किसी भी एक भी यात्री को कोई परेशानी न हो। हम सब उनका आतिथ्य करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके नियमों का पालन जरूर करें। हम सभी लोगों से अपील करते हैं कि देखिए, पिछले वर्षों की तुलना में वहाँ पर यात्री अत्यधिक संख्या में दुगने यात्री वहाँ पहुँच गए हैं। धीरे धीरे यात्रा सामान्य हो रही है और सारे इंतजाम पहले से किए गए थे, लेकिन अत्यधिक संख्या हो जाने के कारण से कुछ परेशानियां हुई हैं। लेकिन हमारा प्रयास है जल्दी से जल्दी करें, और मैं आप सबके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि बिना रजिस्ट्रेशन के यात्रा को प्रारंभ न करें। मेरा अपील है सभी से, देशवासियों से, यात्रा में आने वाले श्रद्धालु, हमारे तीर्थयात्री, धर्म लोग, धार्मिक लोग, वो सभी के सब यात्रा अपनी तभी प्रारंभ करें जब उनका रजिस्ट्रेशन हो जाए, उनकी बुकिंग हो जाए और मौसम की भी जानकारी ले लें, क्योंकि हम चाहते हैं कि वहाँ पर आने वाले किसी भी एक भी यात्री को कोई परेशानी न हो। हम सब उनका आतिथ्य करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके नियमों का पालन जरूर करें। हम सभी लोगों से अपील करते हैं कि देखिए, पिछले वर्षों की तुलना में वहाँ पर यात्री अत्यधिक संख्या में दुगने यात्री वहाँ पहुँच गए हैं। धीरे धीरे यात्रा सामान्य हो रही है और सारे इंतजाम पहले से किए गए थे, लेकिन अत्यधिक संख्या हो जाने के कारण से कुछ परेशानियां हुई हैं। लेकिन हमारा प्रयास है जल्दी से जल्दी करें, और मैं आप सबके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि बिना रजिस्ट्रेशन के यात्रा को प्रारंभ न करें। मेरा अपील है सभी से, देशवासियों से, यात्रा में आने वाले श्रद्धालु, हमारे तीर्थयात्री, धर्म लोग, धार्मिक लोग, वो सभी के सब यात्रा अपनी तभी प्रारंभ करें जब उनका रजिस्ट्रेशन हो जाए, उनकी बुकिंग हो जाए और मौसम की भी जानकारी ले लें, क्योंकि हम चाहते हैं कि वहाँ पर आने वाले किसी भी एक भी यात्री को कोई परेशानी न हो। हम सब उनका आतिथ्य करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके नियमों का पालन जरूर करें।